प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। ये वही इलाका है जिस इलाके का अतीक अहमद सांसद रहा है। ये इलाका फूलपुर की उसी लोकसभा सीट का है जिसने अतीक अहमद को माननीय बनाया। इलाहाबाद की वही कचहरी जहां कभी अतीक अहमद की आंख के इशारे से मुकदमों की जमानत और बरी होने की कार्रवाई हो जाती थी, उसी कचहरी में अतीक अहमद को गाली सुनाते सैकड़ों वकील खड़े हैं। सुरक्षा के बीच अतीक अहमद इन सभी को देखकर नजरें तरेरता है, लेकिन इस बार बाहुबल कमजोर हो गया है। अतीक अहमद को जिंदगी में पहली बार किसी मुकदमे में सजा सुनाई गई है। सरकारी इकबाल की मजबूत पैरवी और अदालत में मजबूती से रखे मुकदमे के बाद अतीक अहमद के बाहुबल को पहली चोट इन वकीलों ने ही दी है। कोर्ट में सजा सुनने के बाद अतीक अहमद के बाहर निकलते ये जो गालियां पड़ी है उसके चेहरे पर, वो इस बार ये बता रही है कि बाहुबल का जोर कमजोर होना क्या होता है। वो अतीक अहमद जिसकी तमाम वायरल क्लिप्स में उसे गुंडई की परिभाषा बताते हुए सुना जाता था, इस बार खामोश था। कोर्ट से निकले वकीलों को देखकर अतीक अहमद कुछ क्षण के लिए बस ऐसे रुका जैसे इन वकीलों को अपनी नजर से भस्म कर देगा, लेकिन अतीक अहमद बेबस दिखा। सुरक्षा के बीच नैनी जेल जाने के लिए प्रिजन वैन में बैठा और उसके बाद रवाना हो गया। प्रयागराज की वो कचहरी जो अतीक अहमद के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, प्रयागराज की वो कचहरी जिसके दरबार में आने वाले तमाम वकील एक जमाने में अतीक अहमद से डरा करते थे, वो इस बार बाहुबल पर हो रही चोट को देखकर उत्साहित थे। वकीलों ने इस बार नारे लगाए तो अतीक अहमद को गालियां भी पड़ी। अतीक अहमद के सामने, अतीक अहमद के मुंह पर अतीक अहमद को जनता का जवाब दिया गया। जो शहर एक वक्त बाहुबल के कारण परेशान था, जिस शहर में अतीक अहमद की रियासत चलती थी, उस शहर में इस तरह की घटना को लोगों ने पहली बार देखा। लेकिन यही सच है, अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। अतीक अहमद को इस बार एक सच देखना पड़ा है, वो सच कि सरकारें बदलने के बाद मुकदमों की पैरवी कैसे हो पाती है, वो सच कि अदालत में उम्र कैद की सजा मिलती है, वो सच कि इस बार बाहुबल को जनता के बीच वकीलों का जवाब मिलता है। पर बात समझिए कि अतीक अहमद का भविष्य क्या है। एक मुकदमे में सजा हुई है, एक मुकदमे का ट्रायल करीब करीब पूरा हो गया है, राजू पाल मर्डर केस का फैसला आना बाकी है। अतीक अहमद को आने वाले वक्त में और मुश्किलें होंगी, लेकिन अदालत में जो आज हुआ वो ये बात साबित करता है कि बाहुबल पर चोट जरूर लगी है। सरकारें बदलने का असर प्रयागराज की कोर्ट में साफ दिखा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।